हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो ये है दिन के 1:30 बजे की क्लिप। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से वॉइस ओवर करूँ। पता नहीं कब सीखूँगी, बट धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ, तो सीख ही जाऊँगी एक दिन। तो चलिए आज का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ दिन के 1:30 बजे से। तो सुबह मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो ये अभी हम थोड़ी देर सो गए थे खाना खाने के बाद, और उसके बाद ये मम्मी लगे थे फिर धनिया की चटाई करने। ये हमारे खेतों में ही धनिया बीजा था हमने, तो उससे देखिए कितना धनिया निकल गया इतने थोड़े से। और ये लोकल धनिया है, मतलब यहाँ जो होता है एक दूसरा होता है सब्जी वाला, तो ये दूसरा है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मैंने कपड़े डाले थे धोने के लिए, तो दूसरी तरफ प्यू लगी अपने कपड़े धोने, तो इसके बाद मैं भी लग गई थी कपड़े। तो ये प्यू भी मेरी हेल्प कर रही थी छोटे छोटे कपड़ों में। तो इसने साबुन लगाया था हैंकीज़ वगैरह में, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं। तो मैं भी बैठ गई थी कपड़े धोने। बाथरूम से पाइप में बाहर ही जोड़ देती हूँ, मुझे ना खुले में कपड़े धोना अच्छा लगता है। बाहर बाथरूम में तंग तंग हो जाता है, तो मैं बाहर ही धोती हूँ कपड़े। हालांकि मशीन भी है, बट मैं मशीन में भी नहीं धोती, क्योंकि पानी जोड़ने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, और बाथरूम में इतना स्पेस नहीं है कि उसको बाथरूम में रख सकें। और दूसरी तरफ देखिए कितनी हवा चल रही है, पेड़ पौधे कितने हिल रहे हैं, क्योंकि बारिश होने वाली थी। इसके 1-1.5 घंटा बाद ही बारिश होनी शुरू हो गई थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है आजकल, लगातार 3-4 दिन से बहुत नुकसान हो रहा है। तो कपड़े धोने के बाद ही हम दोनों नहाए थे, बाकी तो सुबह नहा गए थे सब। तो पीहू भी नहीं नहाई थी। पीहू को तो नहलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको बहुत चिल मचती है जब इसको नहाने के लिए बोलते हैं। तो मैंने इसको ये बोला कि तू कपड़े धो ले, मेरे साथ हेल्प कर ले, तभी फिर हम नहाएंगे। इसी उस पर मानी थी कि ठीक है तब नहाएंगे, क्योंकि गीले हो जाएंगे कपड़े। आज से पहले मैंने इतनी ऐसी बारिश कर ली है। मम्मी जा रही हूँ घर को बांधने।
हेलो, गुड इवनिंग। तो ये है शाम का क्लिप। ये रात के खाने में बनी थी सेमिया, सेमियों की खीर और आलू मटर की सब्जी। ये देखिए, मैंने अपना खाना लगा दिया है, तो आप भी खाइए। और उसके बाद जो काम रहता है, सासू माँ ने आज चपातियाँ बनाई थी और खीर बनाई थी सेमियों की, तो सब्जी मैंने बना दी थी और उसके बाद मैंने बर्तन धो लिए थे। ये देखिए, मैंने सारे बर्तन लगा दिए क्योंकि सासू माँ को अभी काम रहता है शाम को दूध उबालने का, और दूध वगैरह जो दही बनाते हैं ना सुबह के लिए, तो वो काम वो कर देते हैं। तो मैंने गैस साफ कर दिया था और उसके बाद मैंने धोए हुए बर्तन थे वो लगा दिए थे सभी, और झाड़ू दे दिया था। तो उसके बाद हमारा काम, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। 8 बजे के करीब हम खाना खुना खा के फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हम टीवी देखते हैं। जिसको फ़ोन टीवी देखना है टीवी देखो, नहीं तो आजकल तो सभी पता ही है, आप लोगों को, सभी अपने अपने फ़ोन में फंसे रहते हैं। तो थोड़ी बहुत एडिटिंग में शाम को चुकी हूँ मैं शाम के काम से फ्री। ये मैं दे रही थी झाड़ू, और सासू माँ कर रही थी पानी गरम, दूध दूध उबालना, पानी गरम करना पीने के लिए। तो ये सब इनका रहता है, और जो बाकी है वो मैं कर लेती हूँ, मिल बांट के कर लेते हैं हम, तभी किचन से जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ किचन में लाइटिंग की प्रॉब्लम है, और ऊपर से मेरा स्टैंड भी ख़राब हो गया है। नहीं तो अगर मैं दूसरी साइड स्टैंड से शूट करती तो फिर भी लाइटिंग थोड़ी ठीक आती है। तो ये प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लीज़ इग्नोर करना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।